हाई आज हम बात करते हैं मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट द प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी सबसे पहले तो वी शुड नो इट्स नॉट ए डिजीज़ इट इज़ ए फिजियोलॉजिकल कंडीशन सो बहुत सारे मिथ्स होते हैं हर एक ट्राइमेस्टर में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिथ्स हैं कि आपको ड्राई फ्रूट नहीं खाना वो गर्म होता है आपको पाइनएप्पल नहीं खाना आपको पपाया नहीं खाना सो दे ऑल आर मिथ्स सब चीज़ें आप खा सकते हो घर में ला इन ए नॉर्मल क्वान्टिटी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड देन सेकेंड ट्राइमेस्टर में मिथ्स होता है कि आपको ज़्यादा अल्ट्रासाउंड नहीं कराने हैं ज़्यादा अल्ट्रासाउंड कराने से बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है विच इज़ अगेन मिथ बिकॉज अल्ट्रासाउंड आर जस्ट साउंड वेव्स आप आराम से उसको जितनी बार मर्जी चाहे करा सकते हैं और मिथ्स होते हैं कि जब हम हार्ट बीट पेशेंट के सुनते हैं दे जस्ट आज करके मैम हाउ मच इज़ द बीट्स सो दे थिंक कि अगर हार्ट बीट इज़ मोर देन वन फिफ्टी तो गर्ल चाइल्ड होगा मोर देन लेस देन वन फिफ्टी तो बॉय होगा सो दिस इज़ अगेन अ मिथ जैसे ही हम टच करते हैं बेबी को बेबी की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है वेदर इट्स अ गर्ल और अ बॉय द हार्ट बीट इज गोइंग टू बी मोर देन वन सिक्सटी फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में आ जाता है कि घी खिलाने लग जाते हैं घर के लोग कि आप घी खाओगे नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी बट दैट अगेन इज़ नॉट ट्रू घी खाने से आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो आप खाना कम खाओगे और नॉर्मल डिलीवरी में बिल्कुल भी उसकी वजह से कोई हेल्प नहीं मिलती है सो वन शुड हैव बेटर डाइट मोर ऑफ प्रोटीन डाइट रादर देन हैविंग ही फिर मिथ्स डिलीवरी के टाइम में भी होते हैं कि आप अपने बाल खोल के रखो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी ये सब चीज़ें दे ऑल आर मिथ्स दूसरा ये है डिलीवरी के बाद कि आपको से ढक के रखना है आपको कान बंद करके रखने हैं क्योंकि उससे हवा चली जाती है आपको पानी कम पीना है आपका पेट मोटा हो जाता है सो दे ऑल आर मिथ्स